हेलो दोस्तों, मैं हूं इकराम जब्बार। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हम एयर कूलर की जाली की डस्ट वगैरह किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ये जो मेरे पास एयर कूलर है, ये तकरीबन 10 साल इस्तेमाल किया हुआ है। 10 साल में इसकी जाली एक मरतबा भी साफ़ नहीं की। मैं जाली इसको बाहर निकाल लेता हूँ। जाली को आप देखेंगे कि मिट्टी के साथ बिल्कुल फुल हो चुकी है। इसके ऊपर तकरीबन 2 सेंटीमीटर मिट्टी जमी हुई है पूरी जाली के ऊपर। ये देखें, ये बिल्कुल मिट्टी के साथ फुल है। आप मैं इसको खोल लेता हूँ। आपने अपनी जाली भी इसी तरीके से ओपन कर लेनी, जो क्लिप वगैरह है उसको ओपन कर लें। मैं इसको ओपन कर दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जाली के ऊपर मिट्टी कितनी है। ये जो एयर कूलर की जाली है, देखें, मैं निकाल के इसको अलग कर लिया है। ये बिल्कुल मिट्टी के साथ फुल है। 10 साल के अंदर जितना भी इसके अंदर कचरा जमा हो सकता था, तकरीबन कचरा जमा हो चुका है। ये बिल्कुल मिट्टी के साथ स्टक हो चुकी है। इसके अंदर से एयर का फ्लो नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, छोटे बिच्छू और जो भी कुछ है इसके अंदर जमा हुआ है। एयर कूलर की जाली को साफ़ करने के लिए सबसे पहले इसको हम पानी के साथ गीला कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा साल्ट एसिड है, जो हमारा एसिड है, इसके ऊपर कम इस्तेमाल हो और ये साफ़ हो जाए। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है पानी से गीला कर लेना है। पानी से गीला करने के बाद ये हमारे पास है हमारा साल्ट एसिड, जो कि इसका असली मसाला है। आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने बैटरी वाला तेजाब इस्तेमाल नहीं करना। आपने नमक का तेजाब इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इस बात का खास ख्याल करना है कि बैटरी वाला तेजाब इसमें मार दो और आपकी जाली बचे ही ना। ये नमक का तेजाब इसके ऊपर डालते हैं अभी हम। आपने बोतल के अंदर जो है ढक्कन के अंदर सुराख कर लेना है। उसके ज़रिए आपने हल्का हल्का आस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो स्लो इसके ऊपर साल्ट एसिड डालना है। और एसिड डालते वक्त आपने अपने हाथ पाँव बचाने और नाक को भी कवर कर लेना है, क्यों ना कि ये जब इसकी स्मेल आपके आपके सांस के ज़रिए आपके अंदर चली जाएगी तो आपके नुकसानदा होगी। इसलिए जब भी इसको आप इसके ऊपर डालें, एसिड को अपने नाक को कवर कर लें, हाथों को कवर कर लें। अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जितना भी रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ ये रिएक्शन मिट्टी की वजह से हो रहा है। जितना भी इसके बुलबुले वगैरह, ये जितना भी तेजाब जल रहा है, ये टोटली इसकी मिट्टी जल रही है। जाली को इससे कुछ भी नुकसान नहीं है। जहाँ जहाँ आप डालते जाएंगे एसिड को, वहाँ पर ये बबल्स बनते जाएंगे। मैं सारी जाली पे एसिड लगा लेता हूँ। नमक वाला तेजाब लगाने के बाद हम इसको तकरीबन आधा घंटा छोड़ देंगे। जब तक इसके ऊपर ये बबल्स वगैरह बनना बंद हो जाएंगे। जब इसके ऊपर रिएक्शन बंद हो जाएगा तो हम पानी से धो लेंगे। अब मैं आपको एयर कूलर दिखाता हूँ। ये एयर कूलर तकरीबन 10 साल इस्तेमाल के बाद इसके अंदर बिल्कुल कचरा जमा हो चुका है, मिट्टी जमा हो चुकी है। आपने भी इसको इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। तेजाब लगाएं या इस तरफ से इसको धो लें, जैसा मुनासिब लगे, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको तेजाब डाल के छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। ये ऑटोमेटिक जितनी मिर्ची वगैरह सब ये बाहर निकल जाएगी। जो इसकी लाइन वगैरह हैं पानी वाली, वाटर वाली, ये तकरीबन मिट्टी के साथ फूल हो चुकी हैं। अब इसको इसके अंदर से मिट्टी साफ़ करने के लिए आपने इसके अंदर थोड़ा तेजाब डालना है तकरीबन लीटर, और उसके बाद इसकी मोटर जो है पानी वाली ऑन कर देनी है। थोड़ी सी ऑन करने के बाद छोड़ दें, ऑटोमेटिक सब मिट्टी जल जाएगी। 30 से 35 मिनट तेजाब लगने के बाद ये जाली हमारे पास है। हम इसको अच्छे तरीके से पानी मार के साफ़ कर लेंगे। आपने भी अपनी जाली को अच्छे तरीके से पानी मार के साफ़ कर लेना है। जाली को साफ़ करने के लिए किसी ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इसके ऊपर जस्ट प्रेशर वाला पानी मारना है कि जो मिट्टी वगैरह इसके अंदर हो वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए। मैं जाली को पानी से साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरीके से साफ़ मेरी जाली हुई है। तो दोस्तों, ये मेरी कोई नई जाली नहीं है, ये मेरी वही पुरानी जाली है जो आपके सामने मैंने एयर कूलर से निकाली थी, जो मिट्टी के साथ तकरीबन भरी हुई थी। अब ये बिल्कुल नई हो चुकी है। नमक वाला तेजाब लगाने के बाद, पानी से साफ करने के बाद तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर ये मेरी जाली बिल्कुल ब्रांड नई हो चुकी है। आप भी अपनी जाली इस तरीके से साफ़ करें, हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।